टॉपिक हमारा क्या है, जल। तो स्टूडेंट्स हमें जो है जल बनाना है, इसके लिए देखिए कुछ जो है महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं इसमें चित्र बनाते समय कि आपका जो फिगर है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर से कम जो है ना होने के लिए देखिए इसमें होता है कि 15 सेंटीमीटर से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है हम 15 सेंटीमीटर की क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखिए 15 सेंटीमीटर की क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो जो है हम इसके लिए क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर की हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इसके बेस में हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे 10 सेंटीमीटर की। कितने की, 10 सेंटीमीटर की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया 15 सेंटीमीटर की जो है लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर की, इससे थोड़ी सी छोटी। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसकी जो है सॉरी ये हमारी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की और फिर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 सेंटीमीटर की। देखिए इसको हम कितनी, फिर से हम आपको बताएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर की हमने जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है ये वाली। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है 5 सेंटीमीटर की और फिर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी कितने सेंटीमीटर की रहेगी 8 सेंटीमीटर की लाइन रहेगी। और ये जो रहेगी ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ रहेगी लगभग। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें बनाना है जल। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है थोड़ा सा कर्व में भी लेकर आएंगे और यहीं से हम इसे यहाँ पर टच कर देंगे। अब इसको एक हम जो है अच्छे से देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ से हमने टच किया इसको तो यहाँ से हम लेकर आएंगे और यहाँ पर हम टच करके कुछ ज्वाइन कर देंगे। तो ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इधर बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने इसे इधर बना लिया। अब देखिए ये इतना बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना ड्रॉ होने के बाद हम जो है ये चीज यहाँ से हम जो है इस चीज को नीचे इसका बेस बना लेंगे। तो बेस बनाने के लिए हम इधर से ले आएंगे और इधर से इसका बेस बना लेंगे। तो ये बन गया इसका क्या, बेस बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये लाइन्स को हम इरेज कर सकते हैं। तो ये लाइन हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन हमारी दी थी यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पर अंदर से ले जाएंगे और यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे इसको। यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, ये जो लाइन थी यहाँ पर ये वाली लाइन इसको वैसे बनाए रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से इस चीज को थोड़ा सा अंदर लेकर आते हुए इस चीज को हम बाहर कर देंगे और फिर इसी चीज को हम जो है यहाँ से क्या कर देंगे गहरा करके और यहाँ पर से ज्वाइन कर देंगे इन दोनों लाइन्स को। ये यहाँ पर हमने ऐसे कर लिया और इस चीज को हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैसे हमने बना दिया तो ये यहाँ पर सर्कल कर देंगे, आप बना लीजिए और इस लाइन को फिर हम इरेज कर देंगे। तो ये हमारा जो है इसका आउटर शेप बन करके रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसमें हमें क्या बनाना है, इसका जो है हैंडल बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ये चीज और इस चीज को अब आप यहीं से मदद कर लीजिए। तो ये यहाँ पर इसका ये हैंडल बन गया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, हमें जो है सेटिंग करनी थी। तो इस लाइन को आप एक बार फिर से पार्ट वर्क में जब जाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, जितनी भी लाइन है वो आप एडिट कर सकते हैं। तो ये बन गया है, इसके नीचे का जो है स्पेस अब आप यहां से बना दीजिए। अब इसमें हमें जो है यहाँ पर आप चाहें तो इसमें जो है क्या करना है, इसमें डिजाइन ड्रॉ कर बना सकते हैं आप, ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इसमें सेव कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहें तो इसमें सेव कर दीजिए और चाहे तो इसमें यहीं पर थोड़ी बहुत डिजाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पर जो है एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए और एक ऐसे। अब इसमें आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं सिंपली, अभी आप ऐसे क्रॉस क्रॉस कर सकते हैं।
कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप।